बात करा था बीवी से आपने आके टांगड़ा दी बीच में। ऐसे यार बात नहीं करते। क्या मतलब ऐसे बात? मेरी वाइफ है, मैंने आपकी वाइफ को कुछ बोला है? ये चीज ऐसी होती है कि पिलर में ये चीज आ जाती है, पिलर के अंदर, ठीक है। ये गेट जो है ना, इसके अंदर इसके दो पल्ले हैं, एक और दो। हाँ हाँ, ये बड़ा गेट है, जब लगेगा तो देखना कैसे खूबसूरत लगता है इंशाल्लाह। समिया और आप एक मुझे दे दो अपने गहने। गाओ कर रोई दानी आका अपने गहने अपने ले आऊं, पूरा पैक नहीं, सिर्फ एक बिस्कुट। अम्मी ये देखे, एक बिस्कुट भी नहीं दे रही। किसी को नहीं दे रही? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में भी सब ठीक ठाक हैं। आपके दुआएं अल्लाह पाक का शुक्र है। जो भी हमारे चैनल पर न्यू आने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, पहले वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, मज़ीद सपोर्ट करें, अच्छे अच्छे कॉमेंट भी करें। तो आज का व्लॉग हमारा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज जो है आपके लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज़ जो है हम आपको इस व्लॉग में बताएँगे। कौन सी गुड न्यूज़ है? माशाल्लाह आपने वीडियो पूरे वॉच करनी है और देखना है हमारी गुड न्यूज़, हमारा सरप्राइज़ कौन सा है और किस चीज़ का है। अल्हम्दुलिल्लाह आज फैमिली बहुत खुश है और हमारे व्लॉग भी बहुत अमेजिंग हो रहे हैं आजकल, बहुत ही सुपर हो रहे हैं। उम्मीद है बहन भाइयों को पसंद आते होंगे और आके शेयर भी करते होंगे इंशाल्लाह। बाकी गुड हो गया। बेगम साहब यहाँ बैठे हैं, आने की तैयारी हो रही है और घी इसमें डाल दिया है। आज कुछ स्पेशल बना रहे हैं। हाँ जी, अभी इसमें हरी मिर्च और प्याज डाल रही हूँ, घी गर्म हो गया है। और बाकी क्या है? धनिया और टमाटर हैं, अदरक और लहसुन लेके भी नहीं है। लेके नहीं है? हाँ जी। वो आज जो स्पेशल चीज बना रहे हैं उसमें तो लाद में डालने होते हैं। बताया तो था, लेके भी नहीं है। कौन गया था लेने? मैंने बैठा एक मौलवी। आप गए थे? ये गया था। आप गए थे ना? हाँ। यार अदरक तुम डलवा के आया करे हर मसाले में। वो चिकन में डलवाना होता है बस। नहीं आज स्पेशल कोई चीज बना रहे हैं, इसमें तो डालना था। मुझे क्या पता स्पेशल आ जाए। अच्छा तो चलो खैर, वो नहीं आए ना तो आप ऐसे ही बना ले, कोई मसला नहीं। हाँ जी, आज मुगी मसरे की दाल बना रहे हैं। दाल जिंदगी में पहली बार? जी बिल्कुल। कब से काम प्यारा बन गया? पहले बात करने देते हैं अपने को। मैं बोल रहा था कब से नहीं बनाई दाल, आज बना कर दिखा रहे हैं। हाँ अब बोले। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जान भी रहे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मेरे घर में भी सब ठीक ठाक है। और जो न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, वीडियो जो है पूरी वॉच करें, वीडियो के बिल्कुल नहीं करें। तो अभी जो है आज मैं बना रही हूँ दाल, क्योंकि बहुत दिनों से बाद बना रहे हैं, आज दिल कर रहा था दाल खाने को, तो हमने सोचा आज बना लें। उस दिन जो राशन लेके आए थे ना आप, तो उसमें दाल भी थी, तो आज हमने सोचा ये बना लें। जरा दाल का कटोरा दिखाना। वाह जी वाह। और आज एक गुड न्यूज़ है, आपको पता है? हाँ मुझे तो पता है, पर बहन भैया को तो पता नहीं है, वो दिखा देंगे। गुड न्यूज़, बहुत बड़ा सरप्राइज। हाँ जी सही है, करें बनाई जी। आटा शाटा भी गुना जा रहा है, इधर लगता है भाभी आ गई है। हाँ जी, आटा गूंद रही है। हाँ जी, आटा गूंदने आई हूँ। इतनी जल्दी? हाँ आटा गूंद के ना, फिर आपको तो पता है हमारा काम होता भी हो। ये तो काम है। नहीं सीधी बात बताऊं भाभी, आज दोनों के है ना सरप्राइज। हाँ। तो ये सरप्राइज दिखाते दिखाते ना तो ईशा की जान भी होने लग जाती है, तो फिर इसके सरप्राइज नहीं मुझसे, इसलिए हमने सोचा हम जल्दी जल्दी बना लें। हाँ इसीलिए तो टाइम से आटा गून रही हूँ, टाइम से सालन बना रही है, फिर जाकर इनके साथ ठहरेंगे ना तो इनकी बातें खत्म नहीं होती है ना भाभी जी। तो हमें ना मगरिब की अजान हो जाएगी, फिर हम कब हांडी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, इसीलिए हम ना कुछ अक्ल वाले हैं, अक्ल का इस्तेमाल करते हैं।
अच्छी बात है, अल्लाह पाक ने आपको अक्ल दिया है। हम तो ठहरे गधे। अभी धनिया टमाटर भी डाल दिया है। गधे का अक्ल नहीं होता। हाँ, आप ऐसा करें, इसको चम्मच लगाना, मैं लहसुन तोड़ के लाऊं। ओ ताजे। हाँ जी। चलो माशाल्लाह, इसमें सब कुछ डाल दिया। हाँ, इसकी भुनाई होती रहेगी जब मैं आ जाऊंगी। ओके हो गया। इधर अम्मी जी डाल रहे हैं घास माशाल्लाह से। अब वक्त हो गया ना घास डालने का। आज लेट कर दे काफी। बस जुगर होने लग कर हम सोने हां, छोटा छोटा टाइम लग जाता है इसमें। आप सुबह 12 बजे की जाते हैं घास लेने और शाम को 4 बजे वापस आते हैं। और गंदम में तो घास करते हैं ना ऐसे। गंदम से अलग अलग बूटे निकालते रहते हैं। ये तो मुश्किल काम है। चलो अभी इनको डाल दिया। अब वो खड़े हैं इंतजार में बेचारे। चले डाले, मैं जरा इधर पता नहीं क्या काम हो रहे हैं। फरमान भाई भी खड़े हैं। ये क्या देखे ना, ये नीचे नजर आ रहा है आपको, टूटा हुआ। हाँ, टूट गया था। ऐसे अंदर जगह पर केल लगा रहे हैं, जैसे जहाँ जहाँ टूटा है। और ये जो सेंटर वाला पेपा है वो, ये जो खुला हुआ है, पेपे का भी कुछ करते हैं फिलहाल। ये जो लकड़ी काटी हुई थी ना, ये टूटी हुई थी, ये देखे इधर ये वाला लगाया है, वो भी टूटा हुआ था। हाँ, ये आए थे तो ये लगाया है, अभी भी तो ये वाला भी लगाएंगे। हाँ, ये काफी पुराना डोर है ना, वो वाले पर वाला। चलो जैसे कैसे सेट होता है तो कर ले। कर रहे हैं इसको सेट। बस कुछ दिन चल जाएगा, फिर न्यू लेना पड़ेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी, अभी दाल नहीं बनी आपकी? नहीं। कब से बैठी हैं? बना तो रही हूँ। बना रही है कुछ, जल्दी भी करता है बंदा? नहीं करते हम। क्या मतलब है कि नहीं करते? शाम हो गई है। ए, तमीज से बात कर, तमीज से ऐसे बोलते हैं वाइफ से? आप तो चुप करो, मेरा हमारा अपना पर्सनल मैटर है, ठीक है? ये क्या कि शुरू हो गया, दाल नहीं बनी, आपने लंगर बांटना है दाल का? चाहे जो भी करें, ये हमारा आपस का मैटर है। आप क्यों कबाब में हड्डी डाल रहे हैं? ये बोलने की तमीज आपको आकर शुरू हो जाते हो भाई? मेरी वाइफ है, आपको क्या मसला क्या है? चाहे कोई भी है, मेरे सामने ऐसी बात ना किया करो। तो आपने सरप्राइज दिखाना था, हम नौकर है, आपके पीछे भागते रहे। मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं, मेरी मर्जी। हमने ठेका लिया हुआ है, सुबह से हमें खड़ा किया कि सरप्राइज है। दिमाग अपना दुरुस्त करे, सुना? दिमाग दुरुस्त है तो टाइम से दिखाए ना जो सरप्राइज है, देने शाम होने वाली है। कोई बात नहीं, मैं चाहे रात की आधी रात को दिखाऊं। क्या मतलब कोई बात नहीं? मैं नहीं दिखाता, अकल से काम है। आपको दिखाऊं? हमारा आपस का मामला है, आपके बाप में मुझे ना चमड़ो, मुझे ना। तो आप क्यों बोले हमारे बीच? हमारे बीच में बोले क्यों? मैं बोल कर गलती कर, आप सरप्राइज दिखाए, ये अपना टाइम बर्बाद ना करे। हमारा सरप्राइज आपने हमें बोला है कि हमें भी मिलेगा। आपका सुबह से आपने बोला है सरप्राइज दिखाना है, है तो है, तो है तो दिखाए ना। मैं अभी नहीं दिखाता। ऐसे क्यों इंतजार करवा रहे हैं सबसे? मैं आपको इंतजार करवाऊंगा। और आप इसको समझाती नहीं है कि सुबह से बोल रहा है सरप्राइज सरप्राइज, दिखा नहीं सकता मुझे क्या? आपको क्या, जैसे वो आपको कुछ लगता ही नहीं है। बात दाल की हुई और भाग के आ गया। और मियां, दाल की बात हुई है तो हमारा आपस का मैटर है। आप ऐसे बोलते हैं, आपका कोई मतलब है दखल अंदाजी देने का? हक बनता है आपका? प्यार से बोला करो, प्यार से। क्या प्यार से बोला करो? आप सरप्राइज दिखाए जाए, मैं दिखाता हूँ। ऐसे बात कर रहा था बीवी से, आपने आके टांग अड़ा दी बीच में। ऐसे यार बात नहीं करते। क्या मतलब? मेरी वाइफ है, मैंने आपकी वाइफ को कुछ बोला है? जैसे भी बोलते हो ना, जैसे भी बोलते, जैसे भी बोलो, मुझे बस ना समझाए ना सिखाए, ठीक है? अपने काम से काम रखे, छोटे हो मुझसे छोटे बन के रहो। अच्छा, बस बस, ज्यादा तकरीर करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे जस्ट प्रैंक कर रहा था थोड़ा सा। आप तो सीरियस ही ले गए यार। हमें भी प्रैंक आता है। अच्छा अच्छा, मैं तो मजाक कर रहा था भाई, उसे देखे अभी अभी वो देखे। बहन भाई को कैसे लगते हैं, देखते हैं लड़ाई वगैरह करते हुए? नहीं, लड़ाई तो नहीं थे, असल वाली लड़ाई जब होगी ना,
आपका सर फोड़ के रख दूंगा। बहन भाइयों को एक बात तो खुशी होती है कि सांप ना इत्तेफाक में रहे। हाँ जी। कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, खुशी खुशी व्लॉग बनाए, बहन भाई भी पसंद करे। समिया भी हंस रही है इस बात पे। समिया हम प्रैंक कर रहे थे। जस्ट प्रैंक वो ना, खासतौर बहन भाई बोलते हैं आप जैसे बोलते हैं ना, हमें ऐसा लगता है ये मजाक नहीं है, क्योंकि मैं सीरियसली बोलता हूँ ना, और आप तो दांत निकाल रहे थे जब प्रैंक कर रहे थे। सीधी बात है, मुझे चाहे गुस्सा भी आया ना, मैं बात बात पे ना हंसता रहता हूँ। आपको पता था ना मैं प्रैंक कर रहा हूँ। जब असली गुस्सा करते हो तो फिर हंसी नहीं आती। मैं मुश्किल से रोकता हूँ, मैं गुस्से में जब होता हूँ आंखें भी लाल हो जाती है, चेहरा भी लाल हो जाता है। जब गुस्सा भी होता हूँ ना, मैं मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, मुझे हंसी निकलने लगती है जबरदस्ती, फिर मैं सबको देख कर वाइफ को डरा रहा था यार आपने तो। मैं उससे पूछ रहा था कि अभी कितनी देर है दाल नहीं बनी, ऐसे ही आपने बीच में ना बस प्रैंक की शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, आप पूछ लो, प्यार प्यार से पूछते हैं, ऐसे नहीं पूछते। यार मुझे ये पता है ये प्रैंक जो हमने किया है ना, मैं दो तीन बातें ही हैं, ये बहन भाइयों को पसंद आएंगे। नहीं फान भाई, ये ऐसे बोले ना तो सर दाल कैसी बनी, ऐसे बोले, वो कहते ना कि प्यार बोले, ऐसे बोला करे। हाँ हाँ, सोफिया आपके अब कहा वो मैंने बच्चों को भेजा है दाल लेने। अच्छा वो मुझे जो फन सुना है, जो वो जोक जो है ना वो मुझे सुना है। नहीं वो मेरे अबू के घर के करीब में एक हमसाई बैठी है। किसी के ऐसे गिला शिकवा नहीं करते, अच्छी बात नहीं। नहीं वो ऐसे ही बात करती नहीं, है, डायल, उनका डायलेट है, उनका डायलेट ही ऐसा है, वो बोलती है ऐसे। हाँ वो हंसती रहती भर के, वो मैं बैठी थी ना तो पहले मेरे अबू जब डॉक्टर थे ना, वो आई वो पूछती है मुझसे के वो हमें ना प्यार से बोबल बोलते है ना सब, कहती है बोबल, मैंने कहा जी अबू तेरा कित है, मैं के ओ दवाई देवल गया उधर, मैं सभी इधर छुहर को भेजे मैं दाल घेना, मेरी छुहर बीमार थी कि टीके बुला ला बनी। ऐसे ही वो बात करती है, ऐसे हंसती रहती है, बात भी करती है, फिर मुझे हंसी आ गई उसकी बात। उनका अंदाज बेहतर है, लेकिन आपने ना अभी उर्दू में ये जोक सुनाना था, बहुत अच्छा लगता, आप तो सारा किसी रो आ गई। बहन भाई समझ लेंगे। अच्छा उनके बोलने का स्टाइल जो है ना ऐसा है, वही दोहरा रही है, हम किसी का नकल दोहरानी नहीं चाहिए यार, हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे। नकल मैं नहीं कर रही, बस मजाक कर रही हूं। आपकी ऐसे दोहरा है कि इरफान करता है। दोहराए यार, जैसे अल्लाह पाक ने बनाई है मैं तो खुश हूँ। मेरे तो लोग पता है इतने बैड कॉमेंट किए हैं लोगों ने, मैं क्या बताऊँ, मैं फिर भी बर्दाश्त कर लेता हूँ। इसीलिए करते हैं जब आप दूसरों की करते हैं यार, जस्ट मजाक कर रहे थे। बात है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, हम आपस में कर रहे थे मजाक, उनका मजाक नहीं उड़ा रहे यार। अब वाली बात करे ना, इसे सीरियस लगती है। नहीं उनको अगर वो वीडियो देखें, उन्हें पता चल जाए कि ये ना हमारी बात कर रहे हैं, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वो खुश होंगे कि हम ऐसे बोलते हैं। वो ना उनके पास मोबाइल ही नहीं है टच, वो क्या देखेंगे। ये आपकी सोच है। अच्छा वैसे खैर मजाक नहीं उड़ा रहे किसी का, अगर आपके हमें नकल उतारे के फरमान भी ऐसे बोलता है, जाहिर है आपको गुस्सा ही आएगा। जाहिर है, ऐसी बात नहीं है, हम भाई हो के ऐसे नकल करोगे तो कोई बात नहीं। अच्छा भाई हो तो जाओ पर्चा करवा लो मियाँ। अच्छा ये आप ना दाल वगैरह बनवाओ, कोई बात नहीं, इतना ज्यादा एक जगह व्लॉग ना बनाया करो। यार ये तो फनी बातें हैं, ये तो चलते रहते हैं ना। सही है, ये मेरे भी लोग टॉयलेट में जा रहे हैं आजकल, बहुत ही अमेजिंग हो रहे हैं। माशाल्लाह, फन भी होता है, प्रैंक भी होते हैं, खुशखबरी हैं, गुड न्यूज़, सरप्राइज भी होते हैं। हाँ जी माशाल्लाह, बहन भाई पसंद भी करते हैं इंशाल्लाह। और आप प्रैंक किया, मजाक किया, भाभी देखे रो रही है। आपने सीरियस तो नहीं लिया जब मैंने आपको ऐसे गुस्से में बोला? नहीं वो उनके ना आंखों में धुआं चला गया, इसलिए उनकी आंखों में पानी आ गया धुआं की वजह से। मैं वैसे उनसे पूछ रहा हूँ कि सीरियस तो नहीं लिया मेरी बातों को? नहीं लिया, हाँ जस्ट प्रैंक, ठीक है। और वो भी मेरा इरादा था फरमान भाई से प्रैंक करने का।
तो उन्होंने खुद ही टांग अड़ा दी। चलो सही है जी, अभी धाम की पोजीशन चेक करवाए। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी नजर आ रही है, सुना बहुत ही टेस्टी। अच्छा जल्दी जरा बनाएंगे तो वो गुड न्यूज है ना, वो दिखाना है। हाँ जी, हाँ जी बना रहे हैं। और इधर देखे माशाल्लाह अस्तियाना और अमीन जोड़ी बहुत जबरदस्त खूबसूरत लग रही है, माँ बेटे की मेरे जैसी है ना। ओ, ओ, पैर से किसी चीज का इशारा। अच्छा अच्छा अच्छा, खुद ही पूछते हैं क्या क्या केको केको क्या होता है अम्मी? अच्छा जोर से बोला अम्मी को, अम्मी को पप्पा लाते है, कितना लाते है, दही लाते है, वो क्या है, वो क्या लेके आ गए? सियाना को पकड़ाओ, सियाना को पकड़ाओ। क्या है, क्या है सियाना, क्या है सियाना दिखा नहीं। ओ रोना ओ, नहीं ओ, ओ, ओ। बात करनी है, रोना नहीं, बात करो। अच्छा 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 अच्छा, देते हैं देते हैं। क्या चीज है देखो ना, क्या है स्टेना? रूठ जाती है, रूठी हुई बहुत प्यारी लगती है। स्टेना रूठ गई हो, रूठ गई हो। अच्छा कितने खाओगी? कितनी? दो तीन, तीन खाओगी? एक। अगर स्टेना को ना दे तो? वैसे नहीं, वैसे मजाक करो, मैंने कहा ना दे। सारा डब्बा ले लो, सारा डब्बा ले लो, किसी को ना दो। इसको बोलो नहीं देती किसी को। नहीं नहीं हाथ नहीं लगाओ, नहीं देती, हाथ नहीं लगाओ, नहीं बाना निकालो मुंह, नहीं दो। इसको बोलो नहीं देती, डब्बा दो। रोना नहीं, बात करनी, आँख मनी दे, इधर दो, डब्बा दो, आँख मेरा है। अच्छा बिस्कुट दो मुझे, बिस्कुट निकाल के दो। समिया तो मैं खाऊंगी। समिया और आप एक मुझे दे दो। अपने घर ना गाल कर रोई दानी, अगर अपने घर ना अपने ले आऊं, आप एक दे दो बस। अपने ले आओ तो खाओ, मैं नहीं दे दिया, नहीं देते। चलो एक बिस्कुट। अच्छा अच्छा, किसने लेके दिया? मैंने। वाओ दे गई मुझे, दोगी नहीं? आप कल खाओगी? यार फरमान भाई, हाँ जी, ऐसा कहते हैं स्टेना से छीन लेते हैं। नहीं नहीं, पूरा डब्बा ही छीन लेते हैं, ना उसको पता चलेगा और ना हम देंगे, ठीक है? अच्छा एक दे दो। अच्छा एक मदे काट दे, मदे काट दे। ए तई ये कौन सी तमीज है? बुझा नहीं थी ना, मुझे लानत भेज रही हो, लानत भेज रही हो। ये कैसा तरीका है? स्टेना बोला माफ कर दो। माफ कर, माफ। अच्छा माफ कर दूं तो एक बिस्कुट दे दो, माफ एक बिस्कुट सिर्फ। शेर ना खा पूरा पैक, नहीं सिर्फ एक बिस्कुट। अम्मी ये देखे एक बिस्कुट भी नहीं दे रही। किसी को नहीं दे, आप खुद देगी बना, खुद बांटोगी? खोल दूं, खुद बांटो, ठीक है? नहीं नहीं, हम स्टेना को भी नहीं देंगे। नहीं नहीं, स्टेना खुद बांटेगी, कुछ नहीं मिलने वाला। स्टेना खुद बांटेगी यार, नहीं उसको तरिया लगाओ, कुछ नहीं मिलने वाला उसे। स्टेना खुद बांटेगी और अपना बचा लेगी। नहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, अम्मी देगी, अम्मी देगी आज स्टेना। यार क्यों हाथ लगाया उसे? मैं उसे कह रहा था कि अम्मी देगी, चुप करो। नहीं ना रो, गए रोना नहीं। मैं स्टेना को खुश कर रहा हूँ यार, मैंने कहा उसे बिस्कुट नहीं देंगे, खुश हो जाएगी। अपना ले लिया, अपना ले लिया। अच्छा उसमें से मुझे दे दो। रोना नहीं है, ये रोने वाली आदत ना मुझे अच्छी नहीं लगती। बात किया करो, वो रखे हुए हैं, रखे हुए हैं, मैंने आपसे लेना है। देखना फिर से रोएगी। स्टेना एक बिस्कुट बस, यही सुनने के लिए मैं इससे मजाक करता हूँ, वरना मेरी तरफ से तो सारे खा जाए। मजाक करता है इससे ना आपसे। अच्छा अच्छा इधर मुँह करो,
आज ना बहुत सारे सवाल पूछने हैं आपसे, इधर मुंह करके बैठो। हाँ। नहीं छुप के खाएगी। अच्छा हाँ। अम्मी दे रही हैं ये, किस किस के दे रही हैं? आधा आधा है। इस्तियाना को नहीं देना बस। लकिया समिया। अच्छा वो लकिया इधर आओ, अपना बिस्कुट ले लो। ये महंगे वाला है, 40 वाला। अच्छा एक मिनट में बात कर लूँ। हाँ जी क्या बोल रहे थे? ये बड़े वाले हैं, इधर इधर मुंह करो। क्या किया? क्यों? मेरे साहब को आधा आधा आता है। देखें आपका भैया ने उठाया है, आधा मेरा है, आधा आपके भैया का है। हाँ जी ये पकड़े आप, ये आप रखे आधा आधा। आधा आधा तो आ रहा है ना आपको, है सबको आधा आधा आ रहा है। तो बांध कर। वो 12 पीस वाला थोड़ी है, तो बांध कर, मन नहीं आ रहा। 6 पीस वाला है, छह पीस वाला। जकिया जकिया ओ जकिया 6 पीस वाला पैक करता है। एक बंदे को, दो बंदों को एक पैकेट मिलेगा। अच्छा जकिया नहीं खा रहे यार, उसे ना दे। नहीं खाना, नहीं खाना। बंद कर। ओ है चलो बैठे रहो। अच्छा सही वो ना बोलती है कैमरा भी बंद करो, दफा हो जाओ। हाँ बोलती है मुझे पूरा देंगे तो मैं लूंगी नहीं। तो ये है 6 और हम बंदे हैं 12। हाँ जी तो दो बंदों को एक एक आता है। वो उसको खा ले, एक एक पूरा मिला था ना उसी पे। इस्तियाना खा रही है। आज तो बड़े वाला है, मैं तो बोलता हूँ इस्तियाना से छीन के रखिया को दे दे। अच्छा सारा अम्मे को दे दो, नहीं देना मुझे दे दो। अच्छा खाओ खाओ मजे करो, ठीक है जी। आप ले तो गए हो। अभी हम गुड न्यूज जो है वो बताने वाले हैं सरप्राइज। अच्छा ऐसे ही दरवाजा के अंदर गेट के अंदर। हाँ जी सोना माशाल्लाह जी। ओ अभी जी हमारी गुड न्यूज जो थी, हमारा सरप्राइज वो हम कर रहे हैं ओपन। अब आपको एक एक चीज का विजिट करवाएंगे। सबसे पहले निकाय नीचे रखे। ये क्या है? ये है बजरी। बजरी है ना? अच्छा ये बजरी मंगाई है आज, और वो सेमर देखें कितने बोरियां हैं। ये अब्बू को पता होगी। चलो आपको गिनती नहीं आती। मैंने गिनती नहीं की। हाँ गिन लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पूरी होगी। पूरी है ना? हाँ जी। तो 10 ही लेके आया था। और ये भी है? ये क्या है? ये क्या है? ये मुझे भी। अच्छा अच्छा दरवाजे वाले, दरवाजे के अंदर लगने वाले। हाँ जी नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला तो वो होता है यार। ये भी लगता है, ये किली नजर आ रही है यार। पिलर बनाएंगे ना, ये चीज ऐसी होती है कि पिलर में ये चीज आ जाती है, पिलर के अंदर। ठीक है ये गेट जो है ना इसके अंदर आ जाता है। हाँ ये वो चीज है। अच्छा अच्छा आप समझ आ गया। ये जो होती है ना, ये दो साइड होंगी। मैं समझ रहा था ये जो है ना, एक और वो इसके ऊपर जाना है। वो जो है ना वो किल्ली एक इसमें आएगी, एक इसमें आएगी। उठा के ना ऐसे जब पिलर बनाएंगे ये उसमें फिट कर देंगे, ये बजरी सीमेंट सारा कुछ पिलर मजबूत करेंगे। जब सूख जाएगा फिर ये उठा के ना ऐसे किल्ली में फिट कर देंगे। अच्छा मैं वैसे समझ रहा था कि इसके ना नीचे से भी ईटे लगेंगे सीमेंट पर। ये मजबूत हो, मजबूत होगा तो फिरेगा कैसे, खुलेगा कैसे, पागल हो। ये दिखा देंगे कितना है। ये काफी सारे हैं, माशाल्लाह। इधर से आ जाए ना सीधा रास्ता है। ये एक, ये दो, ये तीन, अंदर भी है। हाँ तीन और ये है चार, चार पीछे भी है। और ये है पांच, माशाल्लाह माशाल्लाह। पांच दरवाजे नहीं है वैसे, चार है। ठीक है ये एक है गेट बड़ा। अच्छा। इसके दो पल्ले हैं, एक और दो। हाँ हाँ ये बड़ा गेट है, जब लगेगा तो देखना कैसे खूबसूरत लगता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये दरवाजा जो है नीचे रखा हुआ है, ये है किचन के लिए। हाँ और ये दरवाजा जो है वो बाहर जानवरों के लिए, बाहर निकालने के लिए दरवाजा है।
ठीक हो गया, ठीक है। हाँ जी, और ये दरवाजा जो मैंने लिया है, ये गेट से बाहर जाएं, फिर उस दरवाजे से अंदर आएं, रात को उठना बैठना आना जाना मुश्किल होगी। हाँ हाँ, दरमियान वाली जो दीवार होगी इसमें हम ये लगा देंगे ताकि इधर से जाके जानवरों की देखभाल कर लें, बाहर ना जाए। हाँ, ये बहुत अच्छा किया, हमारी भी यही सोच थी। अच्छा, अब समझ आया, एक ये बड़ा गेट तो हवेली वाला, बड़ा गेट जो हो गया हमारे घर का मेन गेट हो गया, और इसके अंदर एक छुपा हुआ, एक छुपा हुआ है जो किचन के लिए लाया हूँ। माशाल्लाह, आज इरादा बन गया ना, किचन बनाना है, मुस्तकिल तौर पर इरादा पन बनाया है मैंने। अच्छा, तो दरवाजा भी आ गया माशाल्लाह। सोच रहा था चौथा किस लिए ले आया, चौथा अभी पांचवा भी आना है। हाँ, वो कल बनवा के ले आएंगे बकरों के बाड़े के लिए। हाँ, वो इसी वजह से वो जाले वाला होगा, चार फुट का होगा, जाले वाला होगा, वो ऐसे एक साइड पे खुलेगा, बकरियाँ निकल जाएंगी, फिर बंद कर देंगे, या बकरियाँ ढक देंगे फिर बंद कर देंगे कुंडी। हाँ, वो बनवाना पड़ता है मिस्त्री से। ये भी सब बनवाया है? हाँ, ये तो ऑर्डर पे बनवाया है, मजबूत बनवाया है, जो बने हुए थे ना वो बहुत कमज़ोर, और ऐसे हाथ लगाओ ना तो ये चादर भी टेढ़ी होती थी। मैंने कहा ये अच्छे नहीं है, क्योंकि एक छः महीने बाद ये टूटे हुए हों, फिर ना हमारे पास लाइट है ना कुछ, कैसे टोच लगवाएँ, कैसे बनवाएँगे, तो इसीलिए ना ऑर्डर पे मजबूत बनवाया है, अच्छे से अच्छा बनवाया है। मैंने कहा ये कई साल तक चलता रहेगा, ठीक है। तो बाकी ये जो थे ये बने हुए थे, हमने चेक करके अच्छे से अच्छे लिए हैं ये दरवाज़े, और ये भी है मजबूत लिए हैं माशाल्लाह, अच्छे दरवाज़े लिए हैं। ये दोनों दीवारों वाले, एक बैक साइड इधर वाली साइड, हाँ, एक दूसरे साइड, एक बाहर वाली साइड, एक अंदर वाली साइड, क्योंकि तुम्हारी अम्मी जाती है ना बार बार घास डालना, पानी। हाँ, फिर बाहर कैसे जाएं, बकरियों को देखभाल करना, रात को कैसे बाहर से जाएंगे, रात को कुंडी खोलेंगे, फिर उधर से मैं उधर रहूंगा, फिर आना जाना मुश्किल होगा, मैं आऊंगा इधर तो फिर बुलाता रहूंगा अंदर सोते हुए, मैं बुलाऊंगा आओ यार गेट खोलो, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, ऐसे नहीं होगा ना, फिर अंदर से गेट लगा होगा, कुंडी खोली, आ गया कोई काम वगैरह हो तो चला गया, इधर से भी चले गए। हम आवाज लगा सकते हैं, आप अंदर से खोल लें, इधर से तो इधर खड़ा हूँ गेट पे, आप अंदर सोए हुए हैं उधर, आवाज भी नहीं जाएगी, इसीलिए मैंने कहा ये रास्ता रख देते हैं दरमियान में, चलो देखभाल करनी पड़ती है हर वक्त, आना जाना जानवरों के लिए पानी पिलाना, घास डालना, बकरियों को देखभाल करना, तो ये दरवाजा लाजमी होता है। तब मैं ले आया हूँ आज जो दरवाजे थे, एक दरवाजा रह गया, कल मिस्त्री ने कहा आज जुम्मा है, कल आ जाना सुबह, सामान ले आएंगे, सामान लेकर कल ही शाम तक फिट कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, माशाल्लाह, हमें खुशी हुई आज के दरवाजे भी आ गए, कल इंशाल्लाह फिर ये दीवार कंप्लीट कल हो, सबसे पहले सुबह जो आएंगे ना मिस्त्री, सबसे पहले ये पिलर बनाएंगे गेट के, ये पिलर बन जाएंगे ना, इसके मुताबिक ही इधर वाली दीवार भी जाएगी और इधर वाली दीवार भी जाएगी, ये पिलर गेट की तरह रुकी हुई थी ये दो दीवार। हाँ जी, गेट की खातिर माशाल्लाह। किचन का भी ले आए, हमें तो ये भी खुशी हुई कि धूप में नहीं बैठना पड़ेगा आपको। हाँ जी, बना देते हैं किचन, टेंशन ना लो जी। भाई मैंने तो ठान लिया, मैं अपना बना रहा हूँ देसी चूल्हा मिट्टी का, जहाँ मर्जी बनाओ, पूरा सहन पड़ा है, जहाँ मर्जी बना दे, इसकी इधर बना लो ना, इधर बना लेना, इधर गेट इधर होगा ना, गेट रखे हैं उधर, गेट के पीछे इधर से बना लेना, ठीक है, ये छांव भी होगी दोपहर को। हाँ, और इधर पानी भी करीब होगा। हाँ, सारा सिस्टम सेट हो जाएगा, खूबसूरत लगेगा, अम्मी को लस्सी भी इधर बनाने के लिए बिठा देंगे। दोपहर को बनाना है जो मन नहीं, सुबह 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 एक जगह बनाओगी ना, भी इधर मिट्टी रखनी है, लस्सी बनानी है, पक्की जगह आपको बना के देंगे, वहाँ पर आपने आके रखनी है मिट्टी और शुरू होगी। ठीक है माशाल्लाह, काफी बहन भाइयों का मशवरा है कि जैसे असलम खान साहब ने बनाया उस डिजाइन का चूल्हा बनाया, और स्पेशल हमारे भाई हैं लाहौर से हमजा भाई, माशाल्लाह भाई हैं हमारे, आप तो जानते हैं उन्हें माशाल्लाह, तो उनका मशवरा है कि आप ना रोही वाला रेगिस्तान वाला वही मिट्टी का ही बनाए, आपके यहाँ मिट्टी का नहीं, वो मैंने भी पढ़ा है, कॉमेंट वो मेरे सामने आ गया था, भाई बता रहे थे कि ये किचन जो है ये ना तोड़ें, वो मशवरा दे रहे थे, किचन ना तोड़ें, इसको मुकम्मल कर दें, दरवाज़ा भी लगाएं, सब कुछ फाइनल करें उसका, अगर आपने गर्मियों में बाहर आग जलानी भी है, चूल्हा बनाना भी है, तो अपनी तरह के जैसा जहां मर्जी बना लो, फिर ये नहीं कहा कि लाजमी मिट्टी का बनाओ,
रोही वाला उन्होंने बोला है, रोही वाला रेत का मिट्टी का ही होता है। वो आप कह रहे थे ना कि मैंने रोही वाला चूल्हा बनाना है, तो आपने उन्होंने कहा कि अगर रोही वाला बनाना है तो कहीं और जगह बना लो। हाँ जी हाँ, वो असलम भाई का जो बना हुआ है वो तो दूसरा है, वो तो मिट्टी का, ईंटों का है। हम भी ईंटों का ही बना के देंगे इंशाल्लाह, देख लेना बहुत खूबसूरत बनेगा। हाँ फिर कलर लेंगे, फिर कलर करेंगे। नहीं मिट्टी वाला ही नहीं, मिट्टी का जो लेपा होता है ना, लेपा ये रोड़े मोड़े जो होते हैं ना, ये इनका बना के ऊपर लेप करके ऊपर थोड़े डिजाइन बना के बेहतरीन खूबसूरत बन जाता है। हाँ जी हाँ जी, खुला खुला बनाएंगे ताकि आप बैठे रहें। हाँ जी, आप यही कहते हैं ना मिट्टी का बन जाएगा तो ऊपर मिट्टी लगाएंगे। अगर यहाँ पर बनाते हैं ना वही चूल्हा, उसके साथ ही बिल्कुल मैंने तंदूर लगाना है। हाँ, तंदूर की जगह भी बच जाएगी, और तंदूर पे एक बंदा रोटियां लगा रहा हो, दूसरा हांडे बना रहा हो। वाह वाह, बिल्कुल देसी माहौल होता है। और एक बंदा साथ में लस्सी बना रहे। लस्सी तो हम भी वहाँ चार पाई पे बैठ के बनाते। नहीं अपने क्या यही बना लेंगे। चलो जी, आज माशाल्लाह हमारे गुड न्यूज आपने देख ली, ये था हमारा सरप्राइज जो कि हमारे गेट आ चुके हैं, चार दीवारी के भी और सब चीज़ों के, बाकी एक जो है वो रहता है वो ले आएंगे। और खुशी हुई माशाल्लाह, सब फैमिली भी खुश है, ऐसा ऐसा काम हो रहा है माशाल्लाह। आज बहुत बड़ी टेंशन मेरी दूर हो गई, ये जो सामान था ना ये सबसे कीमती और दूर का लेने वाला था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से गया हूँ, तो दोपहर के बाद दोपहर जुम्मा के बाद ही आया हूँ घर वापस, और लेके ही आया हूँ अल्लाह के फजल करम से। चलो ये तो अब जहन से बहुत उतर गया कि हमारे काम माशाल्लाह से अब मुकम्मल होने की मतलब ख्वाहिश आ गई है। माशाल्लाह उम्मीद है कि अब मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फिर अल्लाह हाफिज़।